हर साल बरसात के मौसम में सतलुज दरिया के किनारे बसे दर्जनों गांव के लिए सतलुज दरिया मुसीबत लेके आता है, क्योंकि बरसात के दिनों में जब भाखड़ा डैम से सतलुज दरिया में पानी छोड़ा जाता है, वहीं दूसरी ओर स्वां नदी का पानी भी सतलुज दरिया में आके मिलता है तो दरिया उफान पे होता है, जिसका नुकसान सतलुज दरिया के किनारे बसे दर्जनों गाँव को झेलना पड़ता है। सतलुज दरिया के पानी की वजह से किनारे पर लोगों की जमीन दरिया अपने साथ बहा कर ले जाता है, जहां लोगों की फसलें भी बर्बाद होती हैं और ये पानी लोगों के घरों तक घुस जाता है। वही पंजाब विधानसभा स्पीकर ने लोगों की मांग को पूरा करते हुए लोधीपुर, बुर्ज, चांदपुर, गजपुर, बल्लोवाला, निकुवाल गाँव से निकलने वाले सतलुज दरिया के किनारों को पक्का करने के लिए पैसे मंजूर करवाकर काम को शुरू करवा दिया है। वहीं आज इस काम का जायजा लेने डिप्टी कमिश्नर सोनाली गिरी ड्रेनेज विभाग के अधिकारियों को साथ लेकर काम का जायजा लेने पहुंचे। जिमें कि 2019 सारियां नूं पता हैगा हड़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया सीगा पूरे स्पैशली आनंदपुर साहब के इलाके ते नंगल के गावां दे विच पिंडां दे विच काफ़ी पानी वड़ गया सीगा ते काफ़ी जान माल का नुकसान भी होया। इसनों देखते हुए हुण भी असी जिहड़े जिहड़े भी क्रोनिक पॉइंट्स ने जहाँ पर ब्रीचेस ज़्यादा हुई सीगियां उत्थे ड्रेनेज डिपार्टमेंट वालों काम कराए जा रहे हैं, नरेगा के भी काम लिते जा रहे हैं। कुछ काम बिल्कुल कंप्लीशन के कगार के ने, कुछ कामों के कुछ कमियां हुण जिवें आज इत्थे पाई गई है। मौके पर ही अधिकारियों दस दिता गया है कि ये अगले 10 दिन के जरूर ठीक करा लेन ताकि जिहड़ा फ्लड का सीजन आने तो पहला ये सारी चीज़ें जिहड़ी कमियां है इन्हां नूं पूरा करा के ये काम मुकम्मल तौर पर लोगों की जमीन वास्ते लोगों के जान माल के नुकसान बचाव किया जा सके। मैम टोटल कितने का प्रोजेक्ट है ये सारा लोधीपुर और ये मिला के टोटल साढ़ा 4.5 करोड़ के लगभग ये ड्रेनेज डिपार्टमेंट वालों काम कराए जा रहे हैं। इस तो इलावा 8 करोड़ के वखरे काम नरेगा तो भी कराए जा रहे हैं फ्लड प्रोटेक्शन के। ये जी साड़ी बहुत देर की मंग थी 2007 की तकरीबन साड़ी मंग थी, आई सरकारा नूं असीं बेनती करते थे बहुत ज़्यादा होर छड़ के इत्थे डिप्टी CM भी आप आके देख के गए सी, उन्हें फौरी तौर पर कहा भी असीं बन लावांगे पर नहीं वह गल्लां ही रह गईआं। सो असीं हुण जिहड़ी पिछली सरकार है हुण दे विधायक सरदार कमरपाल सिंह जी राणा जी स्पीकर विधानसभा उन्हां कोल मंग की, उन्होंने सरकार तक मंग करी। सो साड़ी जिहड़ी मंग आ पूरी होण जा रही है, सो बन लग रहा तकरीबन
थोड़े दिनों का ही काम रह गया है। सो जिहड़ा हुण दरिया का पानी सतलुज का दरिया छड्या पानी इहदे विच सवां का पानी भी पैंदा जो कि बहुत मार करदा दर्जना पिंडां नूं लोधीपुर तों लै के थले दर्जना पिंडां तक कीर्तपुर साहब तक यह मार करदा सी। सो ये साडी जिहड़ी मंग है ये हुण दी सरकार ने पूरी कीती। असीं बहुत बहुत धन्नवाद राणा जी का करदे हां। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛੋੜ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲਟਕਦੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੰਨ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬੰਨ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲੋਧੀਪੁਰ ਮਟੌਰ ਨਿੱਕੂਵਾਲ ਬੱਲੋਵਾਲ ਹਰੀਵਾਲ ਮਹਿਦਲੀ ਕਲਾਂ ਗੱਜਪੁਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਪੁਰੋਂ ਬਿੱਲੇ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਤੀ ਉਹ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਘਾਹ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਰਾਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਭਾਖੜੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਆ ਉਹ ਟਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉੱਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਬੰਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਚਾਅ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।